सब्सक्राइब करें कैसीना मैथ सॉल्यूशन क्लास 12 चैनल को एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस एक्स। यानी हमको प्रूफ करना है कि इतना इज इक्वल टू इतना। अगर हम एलसीएम से आरसीएम ला देते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, तो हम एलसीएम से आरसीएम लाते हैं। तो देखिए एलसीएम में लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कौन सा आपका ये, तो लिख दिया हमने इतना टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई। नाउ टेन इनवर्स एक्स लिखा गया और कॉट इनवर्स वाई जो होता है वो होता है टेन इनवर्स वन अपॉन वाई के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर लिख दिया हमने फॉर्मूला, क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से कॉट इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स वन अपॉन वाई। ठीक है, अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन वाई, ये फॉर्मूला आप इसको ऐड करेंगे क्या होता है फॉर्मूला आपका, टेन इनवर्स आपको एक्स को ए मान लीजिए और वन अपॉन वाई को बी, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। फॉर्मूला लिख दिया हमने इसको, देखिए अब फिर क्या किया है, इसको हम एलसीएम लिए हैं, ये हो जाएगा इससे मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई हो जाएगा प्लस वन अपॉन वाई। ठीक है, फिर इसमें एलसीएम में तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन वाई, देखिए वाई वाई इक्वल है कट जाएगा ये, तो बचेगा ऊपर में आपका टेन इनवर्स एक्स वाई प्लस वन अपॉन नीचे बचेगा वाई माइनस एक्स, जो कि इक्वल है आपका आरएचएस है। प्रूफ हो गया कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। नाउ क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यानी एलएचएस से अगर हम इतना लाते हैं आरएचएस तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। नाउ एलएचएस देखते हैं, टेन एलएचएस है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वन प्लस एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स को ऐसे ही लिख देंगे, कॉट इनवर्स को लिख सकते हैं ना हम टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इसको। नाउ देखिए अब आपका फॉर्मूला पे आ गया है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी पे, फॉर्मूला पे हम पुट कर दिए, तो टेन इनवर्स ये होगा ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ए आपका एक्स और वन अपॉन ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो हो गया आपका वन माइनस ए बी। नाउ इसको एलसीएम लिए तो देखिए ए वाला पार्ट जो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स इंटू वन प्लस एक्स, तो नहीं हो गया ऊपर में वन और नीचे में बचा वन प्लस एक्स। ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा इसका एलसीएम वन प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ये तो कट जाएगा आपका, ऊपर में देखिए एक्स इंटू वन प्लस एक्स प्लस वन है, तो इसको हम लिखते हैं और देखिए माइनस प्लस कटेगा ये प्लस एक्स है माइनस एक्स है तो कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में बचेगा आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये वाला एक्स से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी को हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं। देखिए मल्टीप्लाई किए तो टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया, इसको आगे पीछे में लिख सकते हैं तो टेन इनवर्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपके आरएचएस के बराबर है। ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। यानी एलएचएस से हमको आरएचएस लाना है। ठीक है, देखिए एलएचएस है आपका इतना, फॉर्मूला पर पुट करते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, वन अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू आप ए मान लीजिए और वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन को बी, तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी। ठीक है, इतना लिख दिए। नाउ आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लीजिएगा इन दोनों का, देखिए दोनों प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, और इस एक बार इससे अगर डिवाइड दीजिएगा तो बचेगा आपका ये, तो कट जाएगा इसमें ये वाला कटेगा तो बचेगा ये, देखिए वन से ए मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, और फिर इससे आप इसमें डिवाइड दीजिएगा तो ये कटेगा बचेगा ये, तो वाई इंटू हो जाएगा आपका इस मल्टीप्लाई, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया वाई इंटू। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, तो फिर देखिए अब नीचे में भी एलसीएम लीजिएगा तो ये भी हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आपका एलसीएम जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ देखिए इससे अगर
डिवाइड दीजिएगा एलसीएम में तो वन ही ना आएगा, तो ये वाई हो जाएगा सिर्फ वाई, ठीक है ना। तो ये आपका पार्ट कट गया एलसीएम में, ये वाला इक्वल है। तो आपका बच्चा क्या देखिए, तो आपका बच्चा ऊपर वाला पार्ट ये बचा है ना, ऊपर वाला पार्ट में ये वाला बचा है, ये वाला पार्ट, और नीचे में बचा आपका ये। तो ये लिख दिया हमने इतना, ठीक है। और नीचे में हमने एक्स प्लस वाई जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसमें एक बार एक्स से इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर वाई से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो आपका इतना आया, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई किया तो आया प्लस आया था एक, वाई माइनस वाई आया था, तो कैंसिल हो गया। बचा आपका देखिए क्या बचता है, ऊपर में बचा देखिए, इसको अरेंज करके लिख दिया है, एक्स स्क्वायर को ऊपर एक्स स्क्वायर लिख दिया, वाई स्क्वायर को पहले लिख दिया, फिर एक्स वाई इक्वल टू टू एक्स वाई हो गया, बचा था वन, तो वन लिख दिया ऊपर में, ठीक है। अब नीचे आइए एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स वाई इस वाले पार्ट को लिख दिए हैं एक्स वाई, ठीक है, ये वाला, और एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर दो है तो टू एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और एक्स, ठीक है। नाउ क्या कर रहे हैं देखिए, ऊपर वाला जो है वैसे ही लिख दिया, नीचे वाले में हमने क्या किया एक्स कॉमन किया सब में से, तो बचा आपका इतना। देखिए ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इक्वल है तो ये कट जाएगा, तो ऊपर बचाएगा क्या वन और नीचे बचेगा एक्स, तो वन अपॉन एक्स यानी टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स इक्वल टू क्या आता है कोट इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू का आर एच एस है, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, देखिए टू कोट इनवर्स फाइव प्लस कोट इनवर्स सेवन प्लस टू कोट इनवर्स एट इज इक्वल टू पाई बाई फोर, इतना हमको प्रूफ करना कि पाई बाई फोर के बराबर है। तो देखिए एल एच एस हमने क्या किया, टू कोट इनवर्स फाइव और टू कोट इनवर्स एट को एक साथ लिख दिया, देखिए आपका एल एच एस तो ये है, फिर टू कोट इनवर्स फाइव प्लस टू कोट इनवर्स एट को एक साथ लिखा और इसको थर्ड सेकेंड पार्ट को लास्ट में कर दिया, थर्ड पार्ट बना दिया, ठीक है। इसमें से हमने दो कॉमन कर लिया इन दोनों में से, तो बचा आपका कोट इनवर्स फाइव प्लस कोट इनवर्स एट प्लस कोट इनवर्स सेवन, ठीक है। आपको एल एच एस से आर एच एस लाना है तो प्रूफ हो जाएगा। नाउ कोट इनवर्स फाइव को हम टेन इनवर्स वन बाई फाइव लिख सकते हैं और कोट इनवर्स एट को टेन इनवर्स वन बाई एट लिख सकते हैं, और थर्ड पार्ट जैसे था टेन आपको था क्या कोट इनवर्स सेवन था, देखिए कोट इनवर्स है आपका सेवन, कोट इनवर्स सेवन है तो टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन लिखा जाएगा, तो लिख दिया हमने यानी टेन के रूप में इसको चेंज कर दिया। नाउ टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी फॉर्मूला पे इसको ऐड कर दिया, देखिए प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन सेवन, इसको ऐड करने के बाद आएगा देखिए एलसीएम लीजिए, तो ये इसके इसके साथ ये इसके साथ इन दोनों का प्रोडक्ट, देखिए आठ पाँच तेरह ये फोर्टी, ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा फोर्टी माइनस वन इक्वल थर्टी नाइन बाई फोर्टी, तो ये कटेगा आपका, ये तो कट जाएगा, तो बचेगा थर्टीन अपन ए भी थ्री टाइम्स में कट जाएगा थ्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका टू टेन इनवर्स वन अपॉन थ्री कटेगा तो प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन, अब टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आता है टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला पे हमने इसको एक्सपेंड कर दिया इस वाले पार्ट को, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका क्या टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स, ठीक है। ये वाला थर्ड पार्ट को वैसे ही लिख दिया हमने, आप देखिए इसको इसको हम एक्स से लिख सकते हैं ना, ये वाला सॉल्व किए इसको तो ये टू बाई थ्री, तो टू बाई थ्री लिख दिए और नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट बाई नाइन, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका टेन इनवर्स थ्री बाई फोर प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन। अब इसको टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी पे ऐड कीजिए, देखिए ऐड किए टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी पे, तो टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स पच्चीस बाई ट्वेंटी एट अपॉन पच्चीस बाई ट्वेंटी एट, यानी ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो कटेगा, तो आपको बचेगा वन, तो टेन इनवर्स वन वन इज इक्वल टू क्या टेन पैंतालीस, टेन इनवर्स इंटू टेन पैंतालीस, तो टेन टेन इनवर्स हट जाएगा तो बचेगा फाइव बाई फोर जो कि आपका आर एच एस के बराबर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है देखिए टेन इनवर्स एक्स वाई अपो एक्स वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू फाइव बाई फोर, यानी इतना इज इक्वल टू इतना ला देना है हमको फाइव बाई फोर, तो एल एच एस देखिए इतना है, तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई पे यानी टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी फॉर्मूला पर हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा,
टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी, फॉर्मूला पर पुट कर दिया इतना हमने, ठीक है। आगे देखिए इसको एलसीएम लिया तो ये तो इससे इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और न्यूमरेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम के रूप में देखिए ले लिए इन दोनों का प्रोडक्ट, और ये इसके साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, और माइनस साइन था तो माइनस आ गया है। इसी प्रकार से ये इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर वन है तो डायरेक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये तो आपका कट जाएगा ये वाला, बचेगा क्या देखिए ऊपर में बचेगा आपका ये वाला बचेगा और नीचे में ये, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स इंटू एक्स प्लस वाई करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें से देखिए ये इस वाले पार्ट को लिखना है तो इसको भी लिख दिया वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो देखिए तो ये कटेगा आपका, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, बचा आपका क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू टेन इनवर्स वन, यह तो कट जाएगा ये भी कट जाएगा, बचेगा वन तो टेन इनवर्स वन विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर, वन को हम टेन पैंतालीस लिख सकते हैं, टेन इनवर्स इंटू टेन कटेगा तो हो जाएगा पाई बाई फोर बचेगा सिर्फ, जो कि आपके आर एच एस के बराबर है, तो ये इक्वल हो गया, अप्रूव्ड हो गया आपका। और हाँ फ्रेंड्स, आप भी अगर मेरी तरह दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत ही जी है, आप अपने फ्रेंड्स को मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। अब हम क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, सेवन का फर्स्ट एंड टू, देखिए प्रूफ डैट टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी अपॉन वन प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस ए अपॉन वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ वेयर ए बी इज लेस देन माइनस वन। तो एल एच एस से क्या करना है, हमको जीरो ला देना है, एल एच एस से अगर सॉल्व करते करते जीरो आ जाता है तो आपका प्रूफ हो जाएगा कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। देखिए तो ये फॉर्मूला आपका किसका है, एल एच एस आपका ये है ये वाला, तो एल एच एस हमने लिख लिया इतना, देखिए टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए बी किसका फॉर्मूला आता है, ये होता है टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का, तो इसके बदले हम टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी लिख सकते हैं, लिख दिए। अब ये देखिए ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी का, तो मैं भी लिख दिया, यह भी फॉर्मूला आपका टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए, ठीक है, तो उसको भी हमने लिख दिया। देखिए लिख दिए, इसके बदले में हमने तीनों को एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूला को, तो ये हो गया आपका टेन इनवर्स ए माइनस, ठीक है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। अब हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है उसको एक साथ रखते हैं, जैसे टेन इनवर्स ए है तो माइनस टेन इनवर्स ए है, तो माइनस को पहले लिख लिया, ठीक है, एक जगह कर लिया, माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी, ठीक है, माइनस प्लस एक साथ कर लिया, तो देखिए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आर एच एस हो गया, ये तो कटेगा जीरो हो जाएगा ना, इसका भी जीरो, इसका भी वैल्यू जीरो, इसका भी वैल्यू जीरो इज इक्वल टू जीरो, जो कि आपके आर एच एस के बराबर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू है, जस्ट इसी फॉर्मूला पे, ये देखिए टेन इनवर्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन वन प्लस ए क्यूब इंटू बी क्यूब, टेन इनवर्स बी क्यूब माइनस सी क्यूब अपॉन वन प्लस बी क्यूब सी क्यूब। इसी प्रकार से है तो टेन इनवर्स ये फॉर्मूला जो हो जाएगा टेन इनवर्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है, इसी प्रकार टेन ये फॉर्मूला जो है टेन इनवर्स बी क्यूब माइनस टेन इनवर्स सी क्यूब का है, ठीक है, और ये थर्ड जो है आपका टेन इनवर्स सी क्यूब माइनस टेन इनवर्स ए क्यूब का है। जब आप इस इन तीनों को ये सिक्स पार्ट्स को जोड़िएगा तो ये वैल्यू आपका टोटल जीरो आ जाएगा, देख लीजिए जीरो आ गया है, क्योंकि टेन इनवर्स ए क्यूब माइनस टेन इनवर्स ए क्यूब इक्वल टू जीरो जोड़िएगा तो, जो कि आपका जीरो है, एल एच एस के बराबर है। ये प्रूफ हो गया आपका आंसर कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।